अरे भाई साहब और कैसे लाइट भी तो खुद गांव के पांच बच्चे कौन से थे थाना इनके जे ये पिकनिक बनाने के लिए आए हुए थे गर्रा घाट में कटनी नदी शाम तक जब ये घर नहीं लौट के गए तो उनके घर वाले तलाश किए नहीं मिलने पर थाना इनके जे को सूचित किया गया। थाना इनके जे के माध्यम से मुझे एवं वरिष्ठ अधिकारी हमारे एस पी साहब सभी को तो हमारे जिला महोदय एस पी साहब के विशेष निर्देश पे हम लोग सब तत्काल यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे कटनी की जो SDRF की टीम है मोटर बोट सहित डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड शर्मा जी खुद भी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे बच्चों के जूते चप्पल नदी किनारे पड़े हैं, कपड़े पर उतारे हुए हैं और बर्तन भी रखे हुए हैं तो किसी ने उन्हें डूबते देखा नहीं है। इस संभावना पर कि नदी में नहाने न उतरे हों उनकी जो है तलाश जो है सरगर्मी से की जा रही है। और अंधेरा है तो अंधेरा भी ये जांच में बच्चों को करने में वो भी जितना संभव हो सका प्रकाश व्यवस्था कराई गई। देखिए ये लाइट भी मतलब बल्ब वगैरह लगवा लिए गए हैं, जनरेटर भी लगाया जा रहा है। जबलपुर की भी हमारी जो NDRF की टीम है वो भी पहुँचने वाली है और उसी लिए है प्रशासन की जो भी है पांचों बच्चे देवराखुर्द के रहने वाले ये कटनी नदी के अभी प्रशासन कलेक्टर महोदय द्वारा जस्ट अभी आधा पौन घंटे पहले सूचित किया गया कि देवराखुर्द में कुछ घटना घट गई है। तत्काल उसी समय लगभग सभी लोगों को पता चला, पटवारी से बात हुई, कोटवार से बात हुई तो पता चला कि जो है वास्तव में यहाँ पे पांच बच्चे दोपहर में आए थे यहाँ पे और शाम से नहीं है। जैसा CSP साहब ने बताया थाने में उनकी रोज खबर ली गई तो पता चला कि बच्चे गायब हैं। अंधेरा भी हो गया था, रात भी हो गई थी, उसके बावजूद भी प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पे पहुँचा और पुलिस प्रशासन NDRF की टीम जो जिला कमांडेंट की टीम है वो और वरिष्ठ अधिकारी स्वयं भी स्पॉट पर शीघ्र ही पहुँच रहे हैं। प्रशासन कब तक कितने बजे सूचना मिली? प्रशासन को सूचना लगभग 9:30 बजे निकाल दिए गए हैं। बच्चों को क्या सूचना मिली? ये लोगों को अभी लगभग 9:30 बजे PCR में सूचना प्राप्त हुई कि कटनी जनपद के देवरी खुर्द गांव में पांच बच्चों के कटनी नदी में डूबने की सूचना रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद तत्काल होमगार्ड की टीम रवाना हुई, क्षेत्र से के संबंधित TI, CSP, SDM, ADM तत्काल रवाना हुए। मौके पे रेस्क्यू की बोट तत्काल पहुंचाई गई। पिछले लगभग 1.5 से 2 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पांच बच्चों के इसमें डूबने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनका नाम जो है महिपाल सिंह उम्र 15, साहिल चक्रवर्ती उम्र 15, सूर्या विश्वकर्मा उम्र 15, आयुष विश्वकर्मा उम्र 13 और अनुज सोनी उम्र 13। इसमें साहिल चक्रवर्ती की अभी डेड बॉडी प्राप्त कर ली गई है, रेस्क्यू कर ली गई है और सूचना के अनुसार जैसा गाँव वाले बता रहे हैं इसमें से एक बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब लोग यहाँ घर से अनुमति लेकर आए थे और अभी ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सभी पांचों बच्चे डूब गए हैं क्योंकि उनको अभी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। हो सकता है कि वो आसपास कहीं हो या डर गए हों या अभी इस तरीके से हम लोग बिल्कुल श्योर नहीं हैं, बट हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पाँचों बच्चों का रेस्क्यू हमें करना है। तो एक जिनकी बॉडी मिल गई है उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, बाकी चारों की भी तलाश जारी है। जबलपुर से SDRF की टीम, गोताखोरों की टीम भी रवाना हो गई है, वो भी सिहोरा क्रॉस कर चुकी है तो हम आशा कर रहे हैं कि वो भी यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाएगी। मेरा सभी निवासियों से और गांव वालों से निवेदन है कि धैर्य बना करके रखें, रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी पूरी टीम का साथ दें। हम और SP साहब दोनों लोग मौके पर उपस्थित होकर यहाँ रेस्क्यू का जो कार्य चल रहा है उसको देख अपने समक्ष देख रहे हैं और इस पूरी घटनाक्रम के लिए जो इंसिडेंट कमांडर है वो क्षेत्र के तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, उनकी निगरानी में ये पूरी कार्रवाई, रेस्क्यू मिशन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। और मेरा बाकी भी सभी से आग्रह ये है कि हम लोगों को ध्यान इसमें ये भी देना चाहिए कि
अगर आप कहीं पर भी इन बच्चों की सूचना या किसी को मिलती है, हम अभी भी आशा ये रखते हैं कि हो सकता है ये बच्चे नदी में ना मिलें और आसपास कहीं हो सकता है मिलें, तो अगर किसी को भी सूचना मिले तो तत्काल 100 नंबर पर डायल करके या अपने ग्राम में आकर के उनकी रिपोर्टिंग